संस्कृति मम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने एक कप बेसन लिया है और एक बॉईल किया हुआ आलू लिया है, तीन हरी मिर्च ली है और छोटी कटोरी से एक कटोरी हमने बारीक कटी हुई पालक ली है, थोड़ी सी हमने हरी पत्ती को बारीक कट कर लिया है, आधी चम्मच नमक ले लिया है और एक मीडियम साइज की प्याज को हमने बारीक कट कर लिया है और हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है। मिक्सी के जार में जो हमने पालक ली थी पालक को डाल देंगे और हरी पत्ती को डाल देंगे और हरी मिर्च को डाल देंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं और जो हमने प्याज को बारीक कट कर लिया था उसको भी डाल देंगे। और हमने जो आलू बॉईल किया था उसको भी हम इसी में डाल देंगे और हम इसमें एक कप बेसन डाल देंगे और हम आधा कप गेहूं का आटा डाल देंगे। यदि आप गेहूं के आटा के लिए से इस नाश्ता को बनाना चाहते हो तो गेहूं के आटा के लिए से इस नाश्ता को बना करके तैयार कर सकते हैं। और छोटी कटोरी से हम एक कटोरी इसमें पानी डाल देंगे और ढक्कन लगा के बारीक इसको पीस लेंगे। हमने सारी चीजों को बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। पीसते समय हमने थोड़ा सा पानी और डाला था और इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और एक पिंच हम इसमें खाने वाला सोडा डाल देंगे। देखो बिल्कुल थोड़ा सा हमने इसमें सोडा डाल दिया है। चम्मच से सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें इस तरीके का घोल बना करके तैयार कर लेना है, ना ही बहुत ज्यादा पतला ना ही गाढ़ा। देखो ये हमारा अच्छे से घोल बन करके तैयार हो चुका है। गैस को जलाकर गैस पर हमने एक नॉनस्टिक तवा रख दिया है। तवा हमारा गर्म हो चुका है। आप इस नाश्ते को लोहे के तवा पर भी बना करके तैयार कर सकते हैं। और थोड़ा सा हमने तेल डाल दिया है और सारे तवे पर अच्छे से फैला दिया है। आज हम बहुत ही अच्छा नाश्ता बहुत ही कम तेल में बना करके तैयार करेंगे। हमने तवे पर अच्छे से तेल लगा लिया है और जो हमने घोल बनाया था एक चम्मच हम घोल डाल देंगे। अभी गैस को हम मीडियम करेंगे और चम्मच से अच्छे से इसको फैला देंगे। चम्मच से देखो हमने चीला को अच्छे से फैला दिया है। जितना पतला आपका चीला बन सके आप उतना ही पतला चीला बना सकते हैं। अब हम मीडियम गैस पर एक साइड चीला को थोड़ा सेकने देंगे और साइड में हम इस तरीके से थोड़ा तेल और डाल देंगे। मीडियम गैस पर एक दो मिनट हमने एक साइड चीला को अच्छे से सेक लिया है। अब हम धीरे से पलट लेंगे। जब आप इस तरीके से चीला बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाएंगे। दोनों साइड हम इसी तरीके से पलट पलट के चीला को अच्छे से सेक लेंगे। अब हमें इसमें तेल नहीं लगाना है, उतने ही तेल में हमारा दोनों साइड चीला अच्छे से सेक कर तैयार हो जाएगा। देखो ये हमारा चीला कितना अच्छा, देखो एकदम पतला और दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। जब दिखने में अच्छा लगता है तो खाने में अच्छा तो लगता ही लगता है। दोनों साइड हमने चीला को अच्छे से पलट पलट के सेक लिया है। अब हमें इसमें तेल नहीं डालना है। एक चम्मच हम घोल दोबारा से डाल देंगे और डालने के बाद चम्मच से अच्छे से फैला देंगे। देखो हमने चम्मच से अच्छे से फैला दिया है। दूसरा चीला भी हमारा एक साइड से अच्छे से सेक चुका है, इसको भी हम पलट लेंगे। हमने दूसरे चीला को भी सेक कर तैयार कर लिया है और जो हमारा बाकी का घोल बचा है हम इसी तरीके से उसका भी चीला बना करके तैयार कर लेंगे। एक चम्मच तेल में ही हमारे सारे चीला बन करके तैयार हो जाएंगे। देखो हमने अपने सारे चीला बना करके तैयार कर लिए हैं। कितने अच्छे हमारे एकदम बिल्कुल मुलायम और एकदम बिल्कुल पतले चीला बन करके तैयार हुए हैं। आप भी इसी तरीके से चीला को बना करके तैयार कर सकते हैं। यदि आप सॉस के साथ इसको खाना चाहते हैं तो सॉस के साथ भी खा सकते हैं। हमने यहाँ पर टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया है। हमने चीला बनाने के लिए बॉयल आलू का प्रयोग किया था। यदि आपके पास बॉयल आलू ना हो तो आप इसमें कच्चा आलू भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर इसमें पालक डाली है। यदि आपके पास पालक ना हो तो आप हरी पत्ती से भी इसी तरीके का
चीला बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी चीला बनता है और बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। बहुत ही कम तेल में आज ही हमने चीला बना करके तैयार किया है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।